आपने करना क्या, चेयर का सपोर्ट लेना है, चेयर को आप अपने वॉल से भी टच कर सकते हैं, फिर आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखने हैं जैसे कि अभी मैं रखने वाला हूँ, अपने घुटनों को आपने इस तरीके से चेयर के ऊपर रखा और अपनी एल्बो पे आपने इस तरीके से जोड़ दिया। अब आप करेंगे कि अपनी कमर को थोड़ा बेंड करेंगे और थाइस को आपने अच्छे से टच कर लिया अपने चेयर पे ऊपर की तरफ देंगे। नमस्ते एवरीवन, आप में से काफी सारे लोग हैं जो वृश्चिक आसन का अभ्यास करते होंगे या फिर वृश्चिक आसन करते समय उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, जैसे कि अगर आप बैलेंस की बात करें तो ये एक ऐसा आसन है जिसमें बैलेंस बनाना बहुत कठिन होता है अकेले स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगिनर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती आर्म्स में और साथ में बैक मसल्स भी काफी कम फ्लेक्सिबल होती है, जिस वजह से क्या होता है बैलेंस नहीं बनता। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रॉपर वृश्चिक आसन के बारे में यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको कैसे अभ्यास करना है वो सब जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं शिवम योगा स्टूडियो के एक और बेहतरीन वीडियो में। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वृश्चिक आसन का अभ्यास जिस तरीके से आपको करना चाहिए, जैसे मैंने अपने इस आसन को सीखा है या फिर मैं जिनको भी सिखाता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं कि जो आसन है ये काफी कठिन होता है उन लोगों के लिए जिनका अभ्यास अभी तक आर्म स्ट्रेंथ वाले आसन में नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो जो वृश्चिक आसन है इसकी आकृति आप देख लीजिए, एक बिच्छू की तरह होती है, यानी कि जो आपका वृश्चिक स्कॉर्पियो होता है उसकी तरह। लेकिन जब आप इस आसन को करने जाते हैं तो आप अपने हाथों पे यानी कि एल्बो पे पूरा लोड देते हुए अपने पांव को लिफ्ट करते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपके हाथों में आपकी बॉडी पे आपके मन का काफी अच्छा कंट्रोल होता है और जिस वजह से ये आसन हो पाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने वृश्चिक आसन का अभ्यास कर सकते हैं और कहां पर आपको काम करना है। नंबर वन, जो ये वृश्चिक आसन है इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहां पर आपकी आर्म स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी बैक बेंडिंग भी, और आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं कि एक दो दिन करते हैं फिर उसके बाद वो डायरेक्ट छलांग मारते हैं। और कभी भी याद रखें जब भी पहली बार करें तो आप वॉल के सपोर्ट से करें, डायरेक्ट नहीं करना है, इससे क्या होगा आपको इंजरी या चोट नहीं लगेगी। प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस आसन के बेनिफिट्स। इस आसन को करने से आपके शरीर में आपकी माइंड की आपकी पूरी बॉडी की एकदम प्रॉपर बैलेंस स्टेट बनती है, साथ में आपको काफी अच्छा फील होता है क्योंकि आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो काफी हद तक ओपन हो जाती है। साथ में इस आसन का अभ्यास करके आप अपनी एकाग्रता को भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आप अपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उनको अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे और आसन को करने भी लग जाएंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप अपने वृश्चिक आसन को स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो ये पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग अपने हाथों को मिला लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, और एल्बो को भी ज्यादा पास में नहीं रखना है। दोनों हाथ आपके सामने होंगे इस तरीके से और लंबी गहरी सांस लेना है। जब भी आप अपने आसन को करें तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग योगिक ब्रीदिंग करेगा, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सांस छोड़ो पहले, इनहेल, तो पूरा बेली तक आपने ब्रीदिंग लिया। अब धीरे से आपने नॉर्मल रिलैक्सेशन करना है, अब नॉर्मल ब्रीदिंग पे फोकस करें। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपका जो पोजीशन है, जैसे कि अभी आप मेरा देखेंगे, मैं अपने पांव को लिफ्ट करूंगा, शुरुआत में आपके साथ कुछ इस तरीके से होने वाला है, आपका जो बॉडी का जो बैलेंस है वो आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये अभ्यास क्या करना होगा, यहाँ पर बैक बेंडिंग और आर्म स्ट्रेंथ का, तभी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने रिलैक्स करके फिर वापस आना है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें आपकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आसन तक पहुंचकर उसमें रोकने का अभ्यास करना ही वृश्चिक आसन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि अब आसन के लिए तैयारी कैसे करनी है। आपकी आर्म्स की, आपकी अपर बैक, लोअर बैक, मिड बैक, सारी मसल्स की स्ट्रेंथ जब तक नहीं होगी तब तक ये आसन नहीं होने वाला। वृश्चिक आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी ये जो मसल्स होती हैं बैक साइड में या फिर इधर वाली फोर आर्म्स की या फिर आपके रिस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सभी बोन्स सभी मसल्स को आपने एंगेज करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी है। तो दोनों हाथ सामने इस तरीके से आप रखेंगे और फिर आपने करना क्या है, बस नॉर्मल एक्सरसाइज है, ज्यादा आपके लिए हार्ड भी नहीं रहेगी। बस आप अपनी एल्बो को टच करेंगे एक फिर दूसरी, फिर आपने करना क्या है अपने दोनों नी को लिफ्ट कर रहे हैं, फिर ऐसे आपने एक हाथ ऊपर और दूसरा हाथ, फिर 1 2 3 4 ये एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को अच्छे से एंगेज कर पाएंगे। कम से कम आपने 10 बार करना है।
अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिनमें आपको वॉक करते हुए अपने अपने आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने ट्राई करना है। आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों को आप रखेंगे जमीन पे और अपनी घुटने को नीचे स्ट्रेट करेंगे और फिर आगे के लिए इस तरीके से एक हाथ दूसरा हाथ ले जाएंगे और फिर पीछे लेंगे। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे आपने भी ट्राई करना है, पहले आगे फिर पीछे, फिर ऐसे आगे फिर पीछे के लिए आपने कम से कम अपने से 10 से 20 बार करने ताकि आपकी अच्छे से आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाए। अब आप इस तरीके से बैठ जाएंगे और अपनी एल्बो को अच्छे से प्रेस करने के बाद बटे को लिफ्ट करेंगे और आगे के लिए वॉक करेंगे जैसे कि मैं। कम से कम आपने इसे भी 10 से 20 बार ही करना है और प्रैक्टिस करें कि आपका शोल्डर आपकी एल्बो अच्छे से एंगेज हो। इस टेक्निक से आपके पेक्टोरलिस मेजर, शोल्डर की डेल्टेट मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सारी मसल्स पे अच्छे से वर्क हो रहे हैं। एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से आप अपने शोल्डर और अपनी एल्बो की स्ट्रेंथ डेवलप करोगे, साथ में आप अपने कोर मसल्स की भी। तो आपने अपना चेयर लेना है और राइट लेग को ऊपर लिफ्ट किया और लेफ्ट लेग को भी। फिर आप अपने एक हाथ नीचे रखेंगे, दूसरा हाथ नीचे रखेंगे और अपने कमर को लिफ्ट करेंगे, पांव को आगे की तरफ ले जाएं और यहाँ पर आपने बस रोकना है कुछ सेकंड्स के लिए। ये एक्सरसाइज वो लोग अवॉइड करेंगे जिनको शोल्डर या नेक की कहीं पर भी इंजरी है या पेन रहता है। धीरे से वापस आके अपने रिलैक्स करें पवन मुक्त आसन में, आराम से रिलैक्स करेंगे या फिर रोल कर सकते हैं स्पाइन को। अब जो टेक्निक है ये आपको काफी हद तक सपोर्ट करेगी आपके जो वृश्चिक आसन है उसके अभ्यास में। आपने करना क्या, चेयर का सपोर्ट लेना है, चेयर को आप अपने वॉल से भी टच कर सकते हैं। फिर आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखने हैं जैसे कि अभी मैं रखने वाला हूँ। अपने घुटनों को आपने इस तरीके से चेयर के ऊपर रखा और अपनी एल्बो पे आपने इस तरीके से जोड़ दिया। अब आप करेंगे कि अपनी कमर को थोड़ा बेंड करेंगे और थाइस को आपने अच्छे से टच कर लिया अपने चेयर पे ऊपर की तरफ देखने। इस एक्सरसाइज में आप कम से कम 15 से 20 सेकंड तक रोके या फिर 30 सेकंड तक भी आप रोक सकते हैं। आपकी कमर की लचक बढ़ेगी और साथ में आपके ऊपर स्पाइन भी बेंड होगा। फिर धीरे से आपने वापस आ जाना है और रिलैक्स कर रहे हैं चाइल्ड पोज में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज आपने करने के बाद रिलैक्स कैसे कर रहे हैं। अब एक और बेहतरीन टेक्निक जिसका अभ्यास करके आप अपने वृश्चिक आसन की जो पकड़ है वो मजबूत कर सकते हैं। तो आपने करना कि एक चेयर लेना है और वॉल का सपोर्ट करना है। आपने बस करना कि इस तरीके से बैठ जाना है, फिर अपना एक पांव ऊपर ले जाएंगे, फिर दूसरा पैर भी ऊपर ले जाएंगे, फिर आप लेट जाएं अच्छे से अपनी मैट पर। इसके बाद आपने करना क्या है, लंबी गहरी सांस लिया, हाथ ऊपर ले गए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपने साइड में रखा, फिर अपना एक पैर ऊपर ले गए, दूसरा पैर ऊपर ले गए। अब आप क्या करेंगे, सांस को भरेंगे धीरे से और अपनी कमर को अच्छे से आपने चेयर पर रखा जैसे कि आप देख सकते हैं और फिर हाथों को आपने साइड में रखा और अपने सर को उठाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। और यहां पर आप तब तक रोकेंगे जब तक आपकी कैपेसिटी है। फिर धीरे से वापस आके जैसे गए थे वैसे ही आना, जल्दीबाजी नहीं करना और रिलैक्स करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लास्ट पड़ाव रहेगा अपने वृश्चिक आसन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टेक्निक को अगर आप करते हैं रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफी अच्छा भी लगता है, यानी कि अच्छी टेक्निक है तो आपको मजा भी आएगा करने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को इंजर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि नी जो होती है और जो आपका टो है, जब आप इस टेक्निक को करेंगे तो जैसे वापसी आएंगे तो आप अपनी मैट पर या फिर अपने फ्लोर पर आपके पांव या नी को आप इससे टच कराएंगे तो क्या पता आप बहुत ज्यादा उस पर जोर दे दें तो आपको नी में यानी कि इंजरी भी हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैट को आप अच्छे से लाइक अपने डबल कर लें, कुछ आसपास अपने कुशन या पिलो का यूज करें और अपने साथ किसी को घर पे जो भी आपका कंपेनियन है, फ्रेंड है, उसको साथ में अपने देखरेख में रखें। अब आपको करना कैसे, एक वॉल लेना है, वॉल के सपोर्ट से आप करेंगे। कई सारी और भी टेक्निक्स हैं वो मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में जरूर बताऊंगा, अभी के लिए ये टेक्निक आप प्रैक्टिस करें, रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर ये टेक्निक से अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है यानी कि आप कुछ हद तक अपने जो स्कॉर्पियन पोस्चर या फिर वृश्चिक आसन या फिर पिंच मयूर आसन भी से कहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अब करना क्या,
जब आप अपने वृश्चिक आसन का अभ्यास करेंगे तो दोनों हाथ आपके इस तरीके से वॉल के आगे रहेंगे। अब ये वॉल से यहाँ पर आपका थोड़ा डिस्टेंस रहने वाला है, एक और दो, यानी कि वन हैंड फाइव फिंगर फोर फिंगर का आपने स्पेस देना है। अब जब आप करेंगे तो देखो यहाँ पर मेरे अलाइनमेंट में जो बनी है मैट पर, यहाँ पर मैंने अपने फिंगर्स रख लिया इस तरीके से। लंबी गहरी सांस लेने, सांस छोड़ेंगे, सांस लिया, सामने की तरफ देखेंगे, अपनी दृष्टि को बाहर की तरफ रखें। अब आप क्या करेंगे, सांस भरते हुए अपने किकअप देखिए। काफी लोग क्या किकअप नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे उनका बॉडी रह जाता है। तो ये आपकी जो गलती है इसको भी आप समझो, यहाँ क्या होती है, जब आप अपने बटे को लिफ्ट करते हैं तो एक पर थोड़ा सा आगे रखना होता है और एक पर पीछे, बॉडी का वेट आगे शिफ्ट करके फिर अपने पांव को लिफ्ट करते हैं, नीचे वाले पैर से सपोर्ट लेते हैं ऊपर के लिए, देखिए इस तरीके से, और फिर अपने दोनों पैरों को मिलाकर बॉडी को बैलेंस कर लें यहां। फिर से देखिए, तो यहां पर आने के लिए, इस जगह पे स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको दो चीजें करनी होगी। नंबर वन, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। फाउंडेशन का मतलब है अपनी आर्म स्ट्रेंथ पे वर्क करिए, बैक बेंडिंग पे वर्क करिए। बैक बेंडिंग के लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उनके लिंक्स मैं यहाँ पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अब बात करते हैं कि आपका वृश्चिक आसन कितने दिन में होगा। सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। पहले तो देखिए, वृश्चिक आसन उन लोग से होता है जिनके पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ हो और बैंडिंग भी अच्छी हो। दूसरा, वृश्चिक आसन करते समय आपका अभ्यास जैसा भी हो लेकिन आपने प्रॉपर अगर प्रैक्टिस करी है तो मात्र आपके एक दो तीन महीने के अंदर आप इसे सीख जाएंगे। लेकिन योग में अभ्यास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि उसकी जो आधारशीलता है वो आपकी है बुनियादी। तो बुनियादी मजबूती के लिए पहले आप फोकस करिए। मैंने आपको सारे आसन बताए लेकिन क्या है, सबके लिए मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि कहां पर पहले काम करना होगा, क्योंकि जब तक शरीर मजबूत नहीं होगा तो आसन तो वैसे भी नहीं होगा। और आसन आपके विषय को, आपकी बॉडी के विषय को बताता है कि किस तरीके का आपका बॉडी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि स्टार्टिंग करें अपनी योग जर्नी का तो आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। शिव योगा स्टूडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिनको आप रिवील कर सकते हैं और अपने बारे में, अपने आप को और बेटर बनाने के लिए उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया, इंस्टाग्राम की आईडी और ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जरूर टॉपिक भी लिखिए, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं जरूर आपके लिए अच्छे से और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्ते।